हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज बाहर देख रहे हो, मॉर्निंग का मौसम बहुत ही ठंड है, बहुत ही ज़्यादा कोहरा लगा है। ठंड मौसम है यहाँ पे अभी काफ़ी, 2-3 दिन से। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही ब्रेकफास्ट है बैगन का भरता। तो मैंने यहाँ पे बैगन बॉयल करके रख दिया, उसमें थोड़ी सी आलू भी बॉयल करके रख दिए हैं। छोटे छोटे बैगन थे, भरते वाले नहीं थे, तो मैंने सोचा क्यों ना बैगन का भरता ही बनाया जाए। इनसे भी बॉयल करके बहुत अच्छे बनते छोटे बैगन से भी। तो यहाँ पे मैंने अपना बैगन के भरता के लिए तड़का रेडी कर दिया। प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची, टमाटर ये कट करके मैंने रख दिया था पहले। और यहाँ पे मैंने बैगन को मैश करके रख दिया है। और आलू जो छोटे आलू से थे, तो मैंने थोड़े बच्चों के लिए पराठे के लिए अलग सा रख दिया था मैश करके। और ये मैंने मेरा बैगन का भरता तेल गर्म हो चुका है। मैंने धनिया ऐड कर दिया इसमें, और इसके बाद मैं लहसुन ऐड करूँगी। लहसुन भी ब्राउन हो चुका है। अब प्याज डालूँगी इसमें, प्याज को भी थोड़ी देर ब्राउन होने दूँगी। इसके बाद इसमें मसाला ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने प्याज ऐड कर दिया है, प्याज को भी हल्का ब्राउन होने दूँगी। फिर प्याज के बाद मैं मसाले ऐड करूँगी इसमें। अभी प्याज को हल्का सा ब्राउन होने दूंगी भून करके। मैंने उसी में जो बैगन बॉयल किए थे, उसी में मैंने आलू भी थोड़ा बॉयल कर दिया था, ताकि थोड़ी से बच्चों के लिए पराठा बन जाए, उधर बैगन का भरता बन जाए, ताकि दो काम एक ही साथ हो जाए। तो इसीलिए मैंने मेरा यहाँ पे प्याज ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें हरी मिर्ची भी डालूँगी, पहले टमाटर फिर लास्ट में हरी मिर्ची। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और मैंने पहले हल्दी डाला फिर नमक डाला, ताकि उसमें अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाता है। तो मिर्ची के बाद भी लाल मिर्ची पाउडर डालो, उसके बाद थोड़ा सा नमक डालो, तो उसमें अच्छा सा कलर आ जाता है, ब्राउन कलर आ जाता है मसाले में। तो यहाँ पे मेरा मसाला बन चुका है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। मैंने इसमें टमाटर में ही सारे मसाले ऐड कर दिए थे, धनिया, गरम मसाला, और ये मेरी हरी मिर्ची है, और नमक, उसी में नमक भी डाल देगा ताकि टमाटर को जल्दी से गला ले। अब मैं टमाटर को गलने के लिए ढक के रख दूँगी 1-2 मिनट के लिए। तो तब तक मेरे टमाटर गल चुके थे। उधर मैंने अपने रोटी के लिए तैयारी कर रही थी, रोटी बनाने की। तो यहाँ पर मेरा मसाला रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो टमाटर भी गल गया और भरता का मसाला रेडी हो चुका। अब मैं इसमें भरता मैश करके रखा था जो बैगन, उसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये इसको ऐड करके मसाला मिला करके 2-3 मिनट इसको पकने दूंगी। लास्ट में हरा धनिया ऐड करके, और यहाँ पे 2-3 दिन से काफ़ी ठंड है, सुबह के टाइम पे काफ़ी ठंड है, कोहरा लग रहा है। तो आप लोग भी बताना आपके वहाँ पे कितना ठंड पड़ रही है। हमारे यहाँ पे 2-3 दिन से काफ़ी सर्दी है। यहाँ पे मेरा बैगन का भरता रेडी हो चुका है, तड़का भी लग चुका है, और सादा सिंपल तरीके से बनाते हैं हम, और ज़्यादा कुछ नहीं। आप लोग भी सभी बनाते हैं, पर हम सिंपल ही है, आराम से बना सकते सभी। यहाँ पे मैंने हरा धनिया कट करके रख दिया था, धो के कट करके रख दिया था हरा धनिया। इसमें ऐड कर दूँगी लास्ट में। यहाँ पे मेरा हरा धनिया ऐड हो गया, और काफ़ी टेस्टी बना था बैगन का भरता, चटपटा, सभी को बहुत पसंद आया। ये आप देख सकते हो, एक हाथ पे कैमरा था ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, माफ़ी चाहती हूँ। थोड़ा अच्छे से रिकॉर्डिंग होने में मुझे ना थोड़ा दिक्कत आ रही थी, क्योंकि एक हाथ से खाना बनाना, एक हाथ से रिकॉर्डिंग करना, तो थोड़ी प्रॉब्लम तो आ ही जाती है ना। तो यहाँ पर मेरा भरता रेडी हो चुका है। आपने देखा होगा मैंने बैगन के संग 2-4 आलू भी बॉयल किया था, तो उससे मैंने कुछ पराठे बना लिए थे, कुछ रोटी बना लिए थे, जो पराठे खाते पराठे, जिनको रोटी चाहिए रोटी। तो ये मेरा बैगन का भरता रेडी हो चुका है, ये मॉर्निंग का है। तो शाम के टाइम पर यहाँ पर ठंड पड़ रही थी काफ़ी, तो हमने तसेले में आग जलाया था, तो थोड़ी सी हम बाहर आग सेक रहे थे, थोड़ी सी छोटी सी क्लिप हमने उस समय बना ली थी। तो मैं छोटी सी मेरी गुड़िया रानी है, उसको मैं आग सिखा रही हूँ, देखो खुद भी सेक रही है हाथ से। तो मैंने बोला हाय कर दो,
तो यहाँ पर हम थोड़ा सा आग सेक रहे थे शाम के टाइम पे, भारी तसेले में जलाया था, अंदर नहीं ले जाते क्योंकि धुआं धुआं था। थोड़ी सी यहाँ पे ही कुछ मिनट के लिए बैठे थे क्योंकि ठंड भी बहुत लग रही थी पीछे से, क्योंकि बाहर से हवाएं आ रही थी, आगे से तो आग लग रही, आगे जल रही थी, गर्म हो रही थी और हवाएं भी काफ़ी चल रही थी। तो यहाँ पे एक छोटी सी, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से हमारी वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करना, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल। ऐसा मत करना।